हाय एवरीवन, डिशेस हब में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी फ्राई, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 500 ग्राम भिंडी ली है, जिसको मैंने सबसे पहले धो लिया था। उसके बाद सुखाने के बाद इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और 3 मैंने स्लाइस किए हुए प्याज लिए हैं। नमक आप स्वाद के अनुसार लीजिए। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। ऑयल लेंगे हम लगभग 1 टेबलस्पून, 1 बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम ऑयल डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसको गर्म होने के लिए रख देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। तो ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है, इसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं सा निकलने लग गया है। तो अभी गैस की फ्लेम लो कर दीजिए और इसमें भिंडी डाल दीजिए। बहुत ही ध्यान से इसमें भिंडी डालिए। अभी गैस की फ्लेम वापस हाई कर दीजिए और इसको चलाना स्टार्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, भिंडी बनाते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको इसे चलाते रहना है, अदरवाइज ये जल जाएगी। अब भिंडी को कभी भी ढक के नहीं बनाते हैं, इसको बिना ढके बनाएंगे और कंटिन्यूली इसको चलाते ही रहना है हाई फ्लेम पे, जब तक ये थोड़ी सी ब्राउन कलर की ना हो जाए। तो देखिए, इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन आ चुका है, आप देख सकते हो। तो अभी हम इसमें प्याज डाल देते हैं और इसको भी इसके साथ फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े सॉफ्ट ना हो जाएं। तो देखिए, प्याज भी थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं और भिंडी भी काफ़ी हद तक पक चुकी है। अभी हम इसमें डाल देते हैं नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए इसमें नमक। और इसमें अभी हम डाल देंगे हल्दी लगभग 1 चम्मच और इसको मिक्स कर दीजिए और इसको सॉटे कीजिए हाई फ्लेम पर ही 5 मिनट के लिए। रुकना बिल्कुल नहीं है, आप इसको सॉटे करते रहिए। तो 5 मिनट के बाद अभी हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर और सभी मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दीजिए और लो फ्लेम पर 5 मिनट तक इसे पकने दीजिए और बीच बीच में सॉटे भी कीजिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, भिंडी बिल्कुल बनकर तैयार है, आप देख सकते हो। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिए। और अभी गैस बंद कर दीजिए क्योंकि भिंडी बनकर तैयार है और इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।